हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएडी जीएसटी टैक्स नॉलेज। जीएसटी में एक न्यू एडवाइजरी इश्यू की गई है 17 अक्टूबर 2021 को, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी अवेबिलिटी के बारे में इश्यू की गई है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम कब तक क्लेम कर सकते हैं, तो कि जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जो सितंबर मंथ है उसकी जीएसटी या सीवी फाइल करने की जो ड्यू डेट है तब तक ही हम क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा उसको हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड होगा वो लैप्स हो जाएगा। तो यही बात पॉइंट वन के अंदर बताई गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा वो हम कब तक क्लेम कर सकते हैं। बट इसमें कुछ और बातें जो कि माइंड में रखने के लिए बताई गई है, जो नोट करके रखने के लिए, जिसको जीएसटी या रिटर्न फाइल करने के समय ध्यान रखनी है, उसको भी बताया गया है कि जो भी इनवॉइस और डेबिट नोट्स है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड है, और अगर जो जीएसटी आर सीबी की फाइल करने की ड्यू डेट है, कौन से जीएसटी आर सीबी फाइल करने की ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो सितंबर मंथ है उसका जो जीएसटी रिटर्न अपन फाइल करेंगे, जीएसटी या ट्रीवी, उसकी ड्यू डेट है, उसको फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके बाद अगर जीएसटीआर वन में रिपोर्ट किए गए हैं तो उसका जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा वो जो रिसिपिएंट रहेगा उसको अवेल नहीं होगा और वो जीएसटीआर टू बी के आईटीसी नॉट अवेबल सेक्शन में शो होगा और वो जीएसटीआर टू बी में नहीं दिखेगा। ठीक है, आईटीसी अवेबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और सेकंड बात ये बताई गई है, क्योंकि जो भी इनवॉइस और डेबिट नोट्स है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड है, जो कि जीएसटीआर वन में जीएसटीआर सीबी फाइल करने की जो ड्यू डेट है, जीएसटीआर सीबी कौन से मंथ की बात कर रहा है, जीएसटीआर सीबी तो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो सितंबर मंथ है उसके जीएसटीआर सीबी फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके बाद अगर रिपोर्टेड की गए है तो वो जीएसटीआर 2A में तो नहीं दिखेगा, बट साथ में इसको जीएसटीआर 9 है उसके साथ लिंक किया गया है और वो जीएसटीआर 9 के जो टेबल 8A है उसमें भी रिसिपिएंट को नहीं दिखेगा। तो ये दो बातें हैं, उसको आपको ध्यान रखनी है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड जो भी इनवॉइस और डेबिट नोट्स है उसको अगर हम जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो जो जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट है उससे पहले उसको शो कर देंगे, फाइल कर देंगे, तभी रिसिपिएंट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा। इस बात को दोनों ओर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सेलर है और उसने अगर फाइनेंशियली 2020-21 से रिलेटेड कोई इनवॉइस या डेबिट नोट उसके पास है तो उसको भी जीएसटी या सीबी जो कि फाइनेंशियली 21-22 के सितंबर मंथ की ड्यू डेट है उससे पहले उसको कंसीडर कर देना होगा, ताकि जो जिसने हमारे से परचेस किया है वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाए, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना प्राप्त कर सके, क्योंकि तभी वो 2A में शो होगा। और अगर हमने किसी से परचेस किया है तो उसके द्वारा भी अगर परचेस किया है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड है तो उसके द्वारा भी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जो सितंबर मंथ की जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उसमें उसको कंसीडर कर देना होगा, मतलब रिटर्न में उसको शो कर देना होगा, ताकि हम भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाए, ताकि हमको भी अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 2A में शो हो जाए और जीएसटीआर 9 के 8A टेबल में भी वो शो हो जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।